हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पास में कॉलेज नहीं होने के कारण इच्छा होते हुए भी मैं साइंस नहीं कर पाया, और उसके साथ यह भी बताया था कि 11वीं का मेरा पढ़ाई का शेड्यूल कैसा था। दोस्तों, गम के इस अथाह समंदर में हमें कश्ती तो उतारनी नहीं थी। गम के इस अथाह समंदर में हमें कश्ती तो उतारनी नहीं थी, मगर क्या करे, मंजिल जो हमें इशारा कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता था कि यह गम का समंदर है, मगर मंजिल को पाने के लिए मैंने यह कश्ती इस समंदर में उतारी थी। तो दोस्तों, धीरे धीरे मेरा 11वीं का साल समाप्त हुआ और अब मैं 12वीं कक्षा में पहुंच चुका था। 12वीं में भी मेरी दिनचर्या वैसी ही थी जैसी 11वीं में थी। बस यह बोर्ड की परीक्षा होने की वजह से थोड़ा सा अलर्ट हो गया था और पहले की अपेक्षा रात में 1 घंटा देरी से सोता और सुबह 1 घंटा जल्दी उठता। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको 6th पार्ट में ही बताया था कि कुछ अच्छा करके किसी के भी दिल में इज्जत बनाने की मेरी पुरानी आदत है, और उस थोड़े सर की मेहरबानी से मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी तो नहीं, मगर गांव के हिसाब से अच्छी थी। मैंने शुरुआत की वीडियोस में इंग्लिश ग्रामर के कुछ लेसन्स भी लिए हैं, आप चाहे तो वे वीडियोस भी देख सकते हैं। बाद में मैं सारी ग्रामर लेसन्स यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, मेरी मिसेज भी मैथ सिखा रही है। तो दोस्तों, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मगर 11वीं का पूरा साल और 12वीं का आधा सत्र समाप्त हो गया था, मगर इंग्लिश के सर यानी मिश्रा सर मुझे जानते तक नहीं थे, क्योंकि वे सिर्फ आगे बैठने वाले बच्चों से ही रीडिंग और राइटिंग करवाते थे, होमवर्क भी उन्हीं का चेक करते थे। उस समय मैं बीच में बैठता था, इस वजह से वे हमसे लेना देना नहीं रखते थे। यह बात मुझसे सहन नहीं हो रही थी। मेरे मन में यह बात खटक रही थी कि जो पढ़ाई में मुझसे पीछे हैं, वे सिर्फ आगे बैठने से ही मुझसे आगे कैसे जा सकते। एक दिन मैंने फैसला किया कि जो भी होगा देखा जाएगा, मगर अब मैं आगे ही बैठूंगा। और उस दिन से मैं और छोटू दोनों भाई आगे की बेंच पर जाकर बैठने लगे। पहले दिन तो सर को भी अचंभा हुआ कि हम दोनों आगे कैसे बैठ गए, और उस दिन उन्होंने हमें हमारा परिचय भी पूछा था। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, उस कॉलेज में भी बड़े भाई ने अपने सिंगिंग की वजह से इज्जत बनाई थी। उनका भी एक सिंगिंग चैनल है, उसका नाम है रोशन आर ट्यूब, आप चाहे तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपने दम पर इज्जत बनाई थी, जिसकी वजह से सारे शिक्षक उन्हें अच्छे से पहचानते थे। उनके बाद सिर्फ इंग्लिश के सर को छोड़ बाकी सारे शिक्षक मुझे भी अच्छे से जानते थे। यूं कहे तो बड़े भाई ने इज्जत बनाई और उसे ऊंचाई पर लाने का काम मैंने किया था, और उसके बाद छोटे भाई बबलू ने उसे शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम तीनों भाई पढ़ाई में होशियार थे और उसे हमने साबित कर दिखाया था। तो दोस्तों, हम थे आगे की बेंच पर बैठने वाली बात पर, उस दिन से हम आगे ही बैठते थे। बस फिर क्या था, उनके हर सवालों के जवाब और होमवर्क के सारे जवाब मेरे पास तैयार रहते थे। और दोस्तों, यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर ही उनका फेवरेट स्टूडेंट बन गया था, और मुझे तब तो बहुत खुशी हुई जब
हमारी प्रीलिम एग्जाम चल रही थी और उस समय क्लास में मिश्रा सर तथा दूसरे एक सर बात कर रहे थे कि इस बार बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे। तब मिश्रा सर ने सारे बच्चों के सामने कहा कि इस बार मोहन अच्छे मार्क्स लाएगा, क्योंकि उस समय 10वीं हो या 12वीं हो 50% ला लिए तो समझ लीजिए उसने बहुत बड़ा पराक्रम कर लिया। और बहुत सारे लोग तो पास ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे और हिंदी की किताबें उपलब्ध नहीं होने की वजह से हमें मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ता था। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको और एक बात बता दूं कि मेरे गांव से कॉलेज 10 किलोमीटर होने की वजह से तीनों मौसम में परेशानी होती थी। गर्मी के मौसम में यानी मार्च अप्रैल में जब हम कॉलेज से वापस घर आते तब कड़ी धूप का सामना करना पड़ता था। बरसात में एक हाथ में छतरी लिए और दूसरे हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़कर चलाना होता था। तो ठंडी के मौसम में तो सुबह सुबह ठंडी के कारण इतने ठिठुर जाते कि जब हम साइकिल चलाते तो लगता कि हमारे हाथ में तो हैंडल ही नहीं है। कभी कभी तो इतनी ठंड होती कि बाहर से जैसे हम क्लास में जाते तब सर हमें तुरंत मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट करते और हमें नोटबुक में लिखने के लिए कहते। वे ट्रांसलेट करते जाते और हमें फटाफट लिखना होता, लेकिन ठंडी की वजह से हमारे हाथ में बिल्कुल भी ताकत नहीं हुआ करती थी। जब हम पेन हाथ में पकड़ते थे तो हमें पेन से लिखने के लिए ताकत नहीं लगा पाते थे, इतनी ठंडी उस समय में होती थी। तो दोस्तों, आज बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनाने के लिए मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।